नमस्ते, नमस्ते। मैं अरुण नायर हूँ सर। बोलिए सर, मैं क्या कर सकता हूँ? सीएम सर आपका शहर बुला रहे सर। मैं कहीं नहीं आऊंगा, बात कर लेता हूँ। सर वो शहर नहीं आना चाहते। ठीक है, उनके हाथ में फोन दो। ओके सर, सीएम सर आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्ते सर। क्या आप तुम सिटी में नहीं आओगे? सॉरी सर, जब भी किसान सिटी में आता है तो उस पर लाठी चार्ज करके, गोलीबारी करके उसका अपमान किया जाता है। मतलब तो तुम्हारे हिसाब से सरकार को तुम्हारे पास जाना चाहिए? समस्या जब हमारी थी तब हम लोग आपके पास आए थे, अब समस्या आपकी है तो अब आपको हमारे पास आना चाहिए। सर सिर्फ आप अकेले ही नहीं, आप, आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स, सभी को आना होगा। ब्रेकिंग न्यूज, आखिर में सरकार को झुकना पड़ा। अनाज की समस्या को दूर करने के लिए सरकार रामपुर गई है। किसानों के आगे सर झुकाने वाली सरकार, अब देखते हैं शिवराज की सरकार से क्या डिमांड है। नमस्ते सर। नमस्ते। क्यों कर रहे हो ये सब तुम? तुमने जो कुछ भी किया है उससे कितने करोड़ का नुकसान हुआ है जानते हो? शहर के लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है, थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है तुम में? ऐसा है तो किसान इंसान नहीं है? उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती? Hey! आखिर तुम चाहते क्या हो? सर आपकी नजरों में किसान का क्या मतलब है? सबके जैसा, वो जो जानते हैं वही करते हैं। क्या मतलब? मतलब मटका बनाने वाला कुम्हार, लोहे का सामान बनाने वाला लोहार, कपड़ा धोने वाला धोबी, जूता सिलने वाला मोची, उसी तरह खेती करने वाला किसान। मटके की मिट्टी किसानों की जिंदगी है, किसानों का औजार किसानों की मुख्य चीज है, कपड़े किसानों ने ही पैदा किए हैं। मतलब इन सब में मुख्य तो किसान ही हुआ ना? हाँ समझ गए, अब डिमांड बताओ। मौसम के अनुसार किसान खेती करता है, इसलिए बीच में रहने वाले रेट नहीं फिक्स करेंगे। क्या फर्क पड़ता है, रेट ही चाहिए ना? ऐसा है तो हमारे पहनने के कपड़े, घूमने वाली कार, हमारी घड़ियां, इन सब के भी तो रेट फिक्स करो ना। चलो जाने दो, आपकी पगार भी तो आप मीटिंग करके डिसाइड करते हो ना, आपको जो जनता चुनती है उनसे क्यों नहीं पूछते? सो आज के बाद अनाज का जो भाव तय करेगा वो होगा किसान। पैदावार ज्यादा हुई तो कीमत कौन तय करेगा? अभी से हर जिले में अलग अलग खेती होगी, चावल, गेहूं, दाल, रुई, कपड़े, रेशम, क्या उगाना है इस बात का निर्णय किसान करेगा, और उनको किस भाव में बेचना है ये भी किसान ही तय करेगा। इसलिए पानी की सारी व्यवस्था कृषि मंत्री को ही अरेंज करनी है, नहर का पानी साफ करना और उसे खेतों तक पहुंचाना और सारे गांव में उसकी व्यवस्था करना पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर का काम होना चाहिए। वो सब हम लोग क्यों करें जी, एमएलए है ना वो करने के लिए। देखिए जिला पंचायत, गांव की पंचायत, तालुका पंचायत में पानी नहीं मिलता है, सबको पानी देना होगा। स्वच्छ भारत का मतलब टॉयलेट बांध कर क्लीन करके झाड़ू मारना नहीं होता, साथ में ये भी करना होगा जैसे कि खेत की फसल जिला मार्केट तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकारी सचिव जी आपकी है। ऐसा है तो आरएमसी एपीएमसी को टूरिस्ट प्लेस बना दे क्या? एपीएमसी यार्ड में किसान को खुद ही आना होगा। अभी से कोई भी किसान वहाँ नहीं आएगा, दलाल खुद किसानों की जगह आके लेके जाएगा। नो मीडिएटर्स। नेक्स्ट, किसानों की लाइफ का इंश्योरेंस नहीं होगा, इसमें बहुत खर्चा आएगा। सभी डिपार्टमेंट में पीएफ और ग्रेचुटी के साथ छुट्टियों के लिए भी सैलरी मिलती है, पे कमीशन के हिसाब से सैलरी भी ज्यादा होगी। इनमें से किसी ने 1% भी किसानों को दिया है क्या? देखो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट इस समय तुम्हारे सामने है, खुद ही डिसाइड कर लो। सीएम साहब, फाइनेंस डिपार्टमेंट आपके साथ है, आप डिसाइड तो कर लो। और आज के बाद बीजों को किसान ही बचा कर रखेंगे। आज से 3 साल तक खाद और दवा सप्लाई करने वाली सारी की सारी दुकानें बंद। अभी से कुछ भी होने दो, जैविक खेती होगी, ऑर्गेनिक। बड़ी बड़ी कंपनियां हमसे जुड़ी हुई हैं, तो उनका क्या करेंगे? क्या होगा पता? किसानों की पैदा की हुई फसल गवर्नमेंट को देनी है, ऐसा एग्रीमेंट है क्या? नहीं है ना? सोच लो, अभी से भूखा मरने वाला किसान नहीं होगा। हाँ सोच लेंगे। सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मल्टीनेशनल कंपनी, फैक्ट्री और भी बहुत कुछ। ग्रीन बेल्ट मतलब पहाड़ों के पास रहने वाली जमीनों पर कोई कब्जा नहीं करेगा, चाहो तो खराब लैंड दे दो ना। वो लोग नहीं माने तो? फ्री में दे रहे हो, नहीं माने तो छोड़ दो। नौजवानों के लिए क्या काम? कृषि को इंडस्ट्री के नाम से अनाउंस करो, कितनी फॉरेन कंट्रीज ने किया है। इसके लिए किसानों के बेटों को मानना होगा। इस काम के लिए किसानों की इज्जत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या हम किसानों को भगवान मानकर उनकी पूजा करें? तो गलत क्या है? किसान देश की रीढ़ है, इस प्रकृति को भगवान मानकर पूजा करने वाला देश है हमारा, इसलिए तो सूर्य नमस्कार करते हैं, भूमि पूजा करते हैं, पहली बारिश गिरते ही हल्की पूजा करते हैं। ऐसे पूजा करने वाले किसानों को भगवान मानना गलत बात है? और कुछ नहीं है ना? है ना,
लोन देने वाली बैंक्स किसानों की इज्जत की धजियां ना उड़ाएं। 24 आवर्स पावर रहनी चाहिए और उसमें भी 12 घंटे डबल फेज, वो भी डे टाइम में। दिया है ना एमएनसी कंपनी को पावर, दिया है ना तो दे दो। लैंड फ्री, टैक्स फ्री, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री, पावर फ्री, कितने दिनों तक? थोड़े दिन रोक दो, किसानों को दे दो। पहले गरीबों पर दबाव कम करो, उन बेचारों को 1 रुपए में 1 किलो चावल, ये भागिया वो भागिया कहकर किसानों के साथ धोखा करने से पहले रोको। 60 रुपए तक का चावल खाने के लिए किसानों का स्वाभिमान बढ़ाओ। और कुछ भी है क्या? किसानों का दिन, फार्मर्स डे। अब ये क्या है, इससे क्या होगा? सिटी में रहने वालों के लिए फादर्स डे, मदर्स डे, टीचर्स डे, वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हो, तो फार्मर्स डे क्यों नहीं? वोट देने के लिए तो लोग दूर दूर गांव से आते हैं, तो किसानों के लिए एक दिन हल नहीं पकड़ सकते हो क्या? किसानों का भी एक दिन होना चाहिए, यही है हमारी समस्या। बोलिए कब इन सबको सॉल्व करेंगे? हम इसे कैबिनेट में रखेंगे, उस पर चर्चा करने के बाद ही बताएंगे। कितने दिन चाहिए आपको? सेशन बुलाई जाएगी, फिर दोनों हाउस में बातचीत होने के बाद ही। कितने दिन चाहिए? तकरीबन 2 महीने। तब तक आप लोग भूखे ही रहेंगे। ये तो तुम ब्लैकमेल कर रहे हो, देखो बिल पास होने के बाद ही होगा। यू आर राइट, जब इलेक्शन नजदीक होते हैं तो जो भी समस्या होती है उसे आधे घंटे में पास कर देते हो, लेट नाइट भी सेशन चलाते हो। किसानों के लिए किसानों के बीच में ही रहकर फैसला होना चाहिए।